आप ये तो जानते ही होंगे कि अगर चीन की भूमिका को कम करना है तो भारत को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा, और अगर भारत ने अपनी क्षमता चीन को दिखा दी तो उसकी बादशाहत को अर्थ से फर्श पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन हर उस सेक्टर को अपने कब्जे में कर रहा है जिससे वो पूरी दुनिया की मार्केट को कैप्चर कर सके। पर चीन ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही भारत ने ऐसा दांव खेल दिया है जिससे चीन चारों खाने चित हो गया है। यहां हम आपको बता दें कि भारत पहली बार देश में ही कार्गो कंटेनर बनाने की तैयारी कर रहा है। अब तक इस तरह के कार्गो कंटेनर बनाने वाले देशों में चीन सबसे आगे था, लेकिन अब कार्गो कंटेनर के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत इसका प्रोडक्शन देश में ही शुरू करने जा रहा है। वैश्विक स्तर पर मांग में बढ़ोतरी के बीच घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है, और गुजरात के भावनगर को कंटेनर केंद्र के रूप में विकसित करने की पूरी तैयारी हो रही है। सरकार ने कंटेनर के लिए विनिर्माण पायलट परियोजना भी शुरू की है, और इस पहल का मकसद कंटेनर उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है जिससे चीन को पूरी तरह से साफ किया जा सके। यहां हम आपको बताते चले कि मेक इन इंडिया की पहल और मोदी सरकार के प्रयासों से कुछ निजी कंपनियां कार्गो कंटेनर बनाने के लिए आगे आई हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी होंगी। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लगभग 3.5 लाख कंटेनर की खपत होती है जिसके लिए हम पूरी तरह से चीन पर ही निर्भर थे। ऐसा नहीं है कि भारत में कंटेनर नहीं बनते थे, परंतु चीनी कंपनियों के सस्ते कंटेनर ने भारतीय निर्माताओं की बिक्री को समाप्त करके रख दिया था और बाजार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिस कारण से भारत में कंटेनर बनना बंद हो गए और हम चीन पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। कंटेनरों की भारी कमी को देखते हुए भारत सरकार ने कंटेनरों के विनिर्माण के लिए पायलट परियोजना शुरू की है, और इस पहल का मकसद है कि कंटेनर उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हो, और इस क्षेत्र में 1,000 करोड़ निवेश करने के बाद इसमें 1 लाख नौकरी के अवसर भी पैदा होंगे। और यहाँ पर भारत सरकार का यह कहना है कि हम कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इस प्रकार करेंगे कि उनकी कीमत चीनी कंटेनरों से कम हो, और गुजरात के भावनगर को कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी इसी को लेकर पूरी की जा चुकी है, और साथ ही साथ उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर होगा कि हम अपने देश के कंटेनर की आपूर्ति तो करेंगे ही करेंगे, परंतु दूसरे देशों के कंटेनर की आपूर्ति भी भारत अच्छे से पूरी कर लेगा। कुल मिलाकर कहें तो चीन के अब बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, और चीन की गुंडागर्दी और चालबाजी से तंग आकर दुनिया के ज्यादातर देश चीन के घटिया प्रोडक्ट से मुंह मोड़कर भारत के उच्च गुणवत्ता वाले कंटेनर का आयात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, और वहीं मेक इन इंडिया की शुरुआत होने के बाद निवेश के लिए भारत अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया है।